नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। उत्तर प्रदेश सरकार छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने के लिए राज्य के मदरसों में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET अनिवार्य करेगी। इसे लागू करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने रविवार को ये PTI को बताया, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों हो रहा है ये प्रस्ताव तैयार। इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी सरकार राज्य के मदरसों में शिक्षकों की भर्तियों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET होने की योग्यता की अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। मदरसों में गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार इस सिलसिले में एक प्रस्ताव तैयार कर रही है। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने रविवार को बताया कि राज्य सरकार मदरसों में शिक्षकों की भर्ती में TET प्रमाण पत्र को अनिवार्य बनाएगी। जानकारी के मुताबिक इसके लिए सरकार एक प्रस्ताव तैयार करवा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के मदरसों में छात्र छात्राओं को गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा देने के लिए NCERT का पाठ्यक्रम लागू किया गया है, क्योंकि वैज्ञानिक आधार पर तैयार किया गया कोर्स है, इसलिए इसे बेहतर ढंग से पढ़ाने के लिए एक्सपीरियंस टीचर का होना लाजमी है। उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर सरकार मदरसों में शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रतिभागियों का TET उत्तीर्ण होना आवश्यक करने जा रही है। हालांकि अंसारी ने साफ किया कि TET की अनिवार्यता उर्दू, अरबी, फारसी या दानियात के शिक्षकों के लिए लागू नहीं होगी। ये सिर्फ NCERT सिलेबस पढ़ाने वाले शिक्षकों की भर्ती पर ही लागू किया जाएगा। इस सवाल पर कि मदरसों में शिक्षकों की भर्ती का कानूनी अधिकार उनकी प्रबंधन समितियों के पास होता है, क्या सरकार भर्ती में TET की अनिवार्यता लागू करने के लिए कानून में कोई बदलाव करेगी, अंसारी ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस हम इतना करने जा रहे हैं कि मदरसों में आधुनिक शिक्षा के शिक्षकों की भर्ती में TET योग्यता अनिवार्य हो। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2017 में तहतानिया यानी कक्षा 1 से 5, फोकानिया यानी कक्षा 5 से 8 और आलिया या उच्च आलिया स्तर यानी हाई स्कूल व उससे ऊपर के मदरसों में NCERT की किताबों से पढ़ाई की मंजूरी दी थी। टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया के संयुक्त महामंत्री हकीम अब्दुल हक ने मदरसा शिक्षक भर्ती के लिए TET की अनिवार्यता की तैयारी के बारे में कहा कि इससे मदरसा शिक्षकों में भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक शिक्षा देने वाले शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता लागू करने से एक ही मदरसे में पढ़ाने वाले शिक्षकों के बीच योग्यता का व्यावहारिक अंतर होगा, क्योंकि TET पास करके भर्ती होने वाले शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता दानियात या उर्दू, अरबी, फारसी पढ़ाने वाले शिक्षकों से ज्यादा होगी। उन्होंने कहा वो प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक होंगे और भर्ती परीक्षा भी पास करके आएगा, तो क्या दोनों ही तरह के शिक्षकों को सरकार एक ही श्रेणी में रखेगी? इससे भेदभाव की आशंका बढ़ेगी। ठीक वैसे ही जैसे प्राथमिक पाठशालाओं में स्थायी शिक्षकों और शिक्षा मित्रों के बीच होता है। हक ने मांग की कि सरकार उर्दू, अरबी, फारसी और दानियात पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए भी BEd कराने का रास्ता निकाले, और ये तभी होगा जब सरकार या तो मदरसों की जूनियर कक्षाओं में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी ये डिग्रियां हासिल करने के लिए रियायत दे, या फिर दानियात और उर्दू, अरबी, फारसी पढ़ाने वाले मदरसा शिक्षकों के लिए विशेष TET कोर्स निर्धारित करे। मदरसों में शिक्षकों की भर्ती के लिए वर्तमान में लागू प्रक्रिया के मुताबिक तहतानिया यानी कक्षा 1 से 5 में पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए न्यूनतम योग्यता आलिमा या उर्दू से इंटरमीडिएट अथवा उसके समक्ष कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा फोकानिया यानी कक्षा 5 से 8 में पढ़ाने के लिए शिक्षक की न्यूनतम योग्यता कामिल की डिग्री या अरबी, फारसी अथवा दानियात से किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और आलिया यानी हाई स्कूल व उससे ऊपर कक्षा के लिए फाजिल या अरबी या फारसी अथवा धर्मशास्त्र में डिग्री होनी चाहिए। प्रदेश में मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त करीब 16,000 से ज्यादा मदरसे हैं। इनमें से 560 मदरसे सरकार से अनुदानित हैं। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।